हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि डीसी वोल्टेज का पैनल मैं कैसे चेक करता हूँ। कई लोगों को मल्टीमीटर का यूज नहीं आता है, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले आपको इसकी रेंज और डीसी में रखनी है, बाद में आप दो तरह से वोल्टेज पैनल में चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव लाल है, रेड वो पॉजिटिव में रखना है, और एक आपको अर्थ उस पर रख के आपको चेक करना है। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है J1 जो कि 60 आ रहा है, और ये नेगेटिव है, देखिए माइनस दिखा रहा है 63। एक 60 है, 63 है, वो अर्थ पे दिखा रहा है जो कि दोनों ओके 123 वोल्टेज होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं J1 J2 का टोटल कितना होता है, 123-24 वोल्टेज होता है। तो ये अभी मैंने पोलारिटी चेंज की, अब मैं पॉजिटिव पे रेड, नेगेटिव पर आपका टोटल वोल्टेज मिलेगा। आप कोई भी एक नेगेटिव पे रख के आप पॉजिटिव कोई भी चेक कर सकते हैं। मानिए कि यहाँ पे मुझे क्लोजिंग का पॉजिटिव देखना है, तो एक मैं यहाँ नेगेटिव पे रखूँगा और एक यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखिए अपना पूरा वोल्टेज दिखा रहा है, ऐसे आप पॉजिटिव चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इंडिकेशन का आपको पॉजिटिव चेक करना है, तो आपको यहाँ देख लेना है ये रेड वाला तीसरा चालू है, तो ये दो कनेक्शन वाले हैं नेगेटिव, एक अपना पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव पे रखता हूँ नेगेटिव, देखिए वोल्टेज दिखा रहा है। आप ऐसे इंडिकेशन भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे रखूँगा तो ये नेगेटिव दिखाएगा। अभी नेगेटिव हमको चेक करना है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव पे रखूँगा और एक अर्थ पे रखूँगा। तो देखिए ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज दिखा रहा है, ये अर्थ के साथ मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव वो आप दिखाएगा, और नेगेटिव पे रखूँगा तो ये हमारा टोटल वोल्टेज दिखाएगा। नेगेटिव पे नेगेटिव 0 वोल्टेज आएगा, और अर्थ पे रखेंगे तो आपका पूरा वोल्टेज नेगेटिव दिखाएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिखाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज दिखाएगा। ऐसे आप डीसी वोल्टेज कोई भी पैनल पे सर्किट पे चेक कर सकते हैं। तो आज कुछ मैंने नया सीखा है, तो आप ऐसे अपना मल्टीमीटर का यूज़ करके डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं कंट्रोलिंग पैनल पर। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।